हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग मेरी वॉइस आ रही है ना वालेकुम फैज़ान सो आज कौन सा दिन है क्वारंटाइन का एंड साथ में कल एक बहुत हाई जिगर हाय हाय कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है बाय एन टी आप लोग का पेपर वो कल आपको वो रिलीज़ होना था क्या कहते हैं एडमिट कार्ड रिलीज़ होना था तो बाय दिस कोरोना आउटब्रेक आपका एडमिट कार्ड को डिले हो गया है एंड उन्होंने ये भी ट्वीट किया है गुड आफ्टरनून जैसे का हेलो जैसे का गुड आफ्टरनून ऐशा तो बेसिकली एन टी की वेबसाइट पर आ चुका है एंड साथ में ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि आपका पेपर पोस्टपोन किया जाएगा बहुत लोग बहुत यूट्यूबर्स और बहुत जगह बोला जा रहा है कैंसिल हो गया है नीट का पेपर बट नहीं पेपर कैंसिल नहीं हो सकता नीट का पेपर होगा बट पोस्टपोन हो गया है आई थिंक सो ये लास्ट वीक ऑफ मे में होगा पहले थर्ड मे को था अब ये लास्ट वीक ऑफ मे में होगा तो हमारे लिए क्या हो गया और बेहतर हो गया ठीक है गुड इवनिंग शिवम गुड आफ्टरनून स्टडी इन अचीफ तो इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा और हमें और टाइम मिलेगा मेहनत करने का हमें और टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का ये सच में हमारे लिए ब्लेसिंग है ये ऊपर वाले ने हमें कोरोना के नाम पे कहना नहीं चाहिए बट इट्स अ गुड थिंग फॉर यू ऑल गा देयर हु आर हेयर फॉर प्रिपरेशन अभी फ़ाइनल नहीं है वो और भी चेंज हो सकता है यस रोहित तो और भी चेंज हो सकता है बट अभी के लिए जो हमारे पास अभी करंट न्यूज़ है अभी जो हमारे पास करंट न्यूज़ है करंट न्यूज़ यही कहती है कि शायद अभी तेज हो सकता है तहरीम असलकुम वालेकुम असलम हाय जसिका ठीक है बच्चो सो डेट्स चेंज भी हो सकती हैं बफर है सो मान के रखिए अभी आपके पास बेस्ट टाइम है तैयारी का इससे अच्छा टाइम ऊपर वाला आपको नहीं दे सकता ठीक है बच्चों गुड आफ्टरनून हाय मयंक हाय 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 ठीक है चलते हैं सो so, हम पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आना है उसका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम उसकी ऑलरेडी दो क्लासेस ले चुके हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की आज इसकी लास्ट क्लास और जो थ्योरी पार्ट है इसका बहुत बड़ा एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा टॉपिक्स देख लेते हैं टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हमारा क्या है कोडॉन कॉन्सेप्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस कोडॉन कॉन्सेप्ट में हम लैक के बारे में भी कुछ पार्ट्स कवर अप करेंगे ठीक है तो ये है हमारा टॉपिक और कल मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीक का भी टाइम टेबल दे दूंगा ठीक है मैंने आपसे कल बोला था हाउ हाउस कैर सर शी इज गुड सो so बेसिकली कल मैंने आपसे बोला था कि कल मैं अब मैं नेक्स्ट वीक का भी टाइम टेबल दे दूंगा सो so, आपके स्क्रीन पे इस वक्त नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल है इस वक्त सो so, आप लोग क्या करें एक बार थोड़ा सा इस टाइम टेबल को लिख लें या आपको पीपीटी जो मिलती है टेलीग्राम के पेज पे जस्ट टेक दैट पीपीटी खुद थोड़ा सा तैयार होइए सो दैट जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए ठीक है आज है ट्वेंटी मार्च जो कि हम डील कर रहे हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी के लास्ट सेक्शन पे कल हमारी कोई क्लास नहीं है संडे को फिर मंडे से हमारा क्या शुरू है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ देन क्लास इलेवेंथ में सेल एंड सेल डिवीजन ठीक है बच्चों गुड आफ्टरनून अंजलि हाय अंजलि वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून रोहिणी ठीक है बच्चों सबको क्लियर हो गया सो so, हमारी पीपीटी कहाँ मिलती है सबको पता होगा अब तक सबको पता चल गया होगा कहाँ मिलती है इंस्टा जेई के पेज पे ठीक है सब लोग को क्या करना है टेलीग्राम में इंस्टा जेई का पेज है जाइए ओपन करिए एंड आपको वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी ठीक है बच्चों साथ में आप क्या करोगे हमारे दो फेस दो यूट्यूब पे पेज हैं एक है इंस्टा सॉल्व का पेज गूगल पे जाइए यूट्यूब पे जाइए आप लिखिए इंस्टा सॉल्व यू विल गेट द पेज कुछ हमारी पुरानी वीडियोस भी हैं जब तक आप इसको हमें थाउजेंड सब्सक्राइबर नहीं देंगे तब तक हम इस पर लाइव नहीं जा सकते दूसरी आती है हमारी आज का एटीएन की जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आज का एटीएन की उस पर जाके वीडियोस देख सकते हैं हमारी क्रैश कोर्स की वीडियोस के फॉर्मेट में ये प्रेजेंट है क्लियर है बच्चों हाय जेसिका हाय अंजलि जय पबजी नो पबजी राइट नाउ अभी हम एक घंटा से पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे पबजी के बारे में हमारे पास बहुत टाइम है बात करने के लिए ठीक है शुरू करें बच्चों थैंक यू इंस्टरसॉल यूजर शुरू करें शुरू करते हैं बच्चों पहला पहला क्वेश्चन आ चुका है पहले मतलब टू क्वेश्चन आर देयर आंसर्स बताएं बच्चों मुझे क्वारंटाइन रहना है लेकिन पढ़ते रहना है घर पे रहेंगे लेकिन पढ़ते रहेंगे ठीक है हमारे पास ये बेस्ट टाइम है पढ़ने का मैं रोज़ कह रहा हूँ आपको अभी कोई प्रेशर नहीं है इतना यूटिलाइज करिए अभी ये टाइम एक बार में वन अटेम्प्ट मेडिकल ठीक है बच्चों हाय आकृति गिमी आंसर ना बच्चों गिव गिमी द आंसर आंसर दे बच्चों मुझे इसका आंसर क्या होगा गुड आफ्टरनून आकृति हाय सर हाय जेसिका आंसर जेसिका का आ चुका है वन हाई सोल यूजर हाय रोहित का आंसर आ चुका है वन बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चों आप भी आंसर दीजिए बाकी लोग स्टडी एंड अचीव आंसर दें हाय लल्लन टेक्नोलॉजी वाह क्या नाम रखें लल्लन टेक्नोलॉजी इनका आंसर आया है वन वेरी गुड और बच्चे आंसर दें सेकेंड का आंसर आया है अंजलि का ए, ईशा का आंसर आया है वन का ए आकृति का आंसर है ए बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है अपना रोनी का आंसर है दोनों का ए ठीक बच्चो? so. है बच्चों? आई थिंक सो जीशान का आंसर है ए इंस्टासोल यूजर ए ईशा का दोनों आंसर है ए बहुत अच्छे बच्चों सो so बेसिकली बहुत लोगों ने इसका आंसर दे चुके हैं ऑलरेडी सो so, क्वेश्चन हम हम पढ़ लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन का क्या है आंसर मयंक का आंसर है हेमा का आंसर है फैजान का आंसर ए वेरी गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब हम देखते हैं क्या है क्या, है, क्या हम किस बारे में बात करें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड की अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है किसने बताया मेन क्वेश्चन है हमें कुछ बताया जाता है ये सबसे क्वेश्चन है किसने बताया किसने समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में अब देखिए अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आजकल ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अब एम के फॉर्म में नहीं आ रहे वो आते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में मार्क माय वर्ड ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं किसमें मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग इंक्लूडिंग जोलॉजी एंड बॉटनी पांच क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखते हैं पांच क्वेश्चन पांच मैच द फॉलोइंग समझ रहे हैं मेरी बात और हर में पांच पांच साइंटिस्ट कितना टफ पड़ जाएगा तो हमें साइंटिस्ट के भी नाम याद करने पड़ेंगे और यहां तक कि आपके एनसीआरटी बुक में अगर लिखा है वो ब्रिटिश के हैं आपको ब्रिटिश का याद करना पड़ेगा जर्मन है तो आपको जर्मन का याद करना पड़ेगा इंडियन है तो इंडियन याद करना पड़ेगा ठीक है सो अजम्सन दैट जेनेटिक कोडॉन हाँ मैं बताऊंगा साहू अभी बहुत टाइम अभी क्लासेस शुरू हुई है साहू ठीक है अजम्पन डेट जेनेटिक कोडॉन इज अ ट्रिपलेट वॉज सजेस्टेड बाय किसने सजेस्ट किया था बच्चों इट वॉज सजेस्टेड बाय गैमो ठीक है इट वॉज सजेस्टेड बाय गैमो सर वाई टूडे योर वॉइस इज नॉट एनर्जेटिक इट इज एनर्जेटिक इट विल कम एनर्जी विल कम इन लिटिल बिट टाइम ठीक है हाउ मेनी सेंस कोड फॉर ट्वेंटी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कितने सेंस कोडॉन्स हैं फॉर ट्वेंटी नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड तो कितने होते हैं सी टोटल होते हैं कितने लेट्स सी द ओवर तो अभी हमें क्या देखना है ये जो गैमो थे, थे ये जो गैमो साइंटिस्ट थे ये कहा थे ये एक फिजिसिस्ट थे वो एक फिजिक्स के थे ठीक है एक्सटेंडेड दिस लाइन ऑफ थिंकिंग टू डिड्यूस द जेनेटिक कोड वॉज लाइकली कंपोज ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ही प्रपोज दैट द ग्रुप ऑफ थ्री हंड्रेड थर्टी जीन माइट कोड फॉर वन अट्ठ ये तो एक थ्योरी है अब ये इधर देखिए वाई वन स्टैंड सर कहना है आज का क्वेश्चन ये स्पीचर आप क्वेश्चन लिखिए अश्विन मैं इस आंसर के बाद आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं। बस एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए तो यहाँ पे सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए जिनको जो ये कोडॉन कॉन्सेप्ट समझना था जिसको कोडॉन कॉन्सेप्ट समझना था वो ध्यान दीजिए लेट्स सपोज एक कोडॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक कोडॉन में एक नाइट्रोजनस बेसिस है मतलब कितने नाइट्रोजनस बेस हो गए यहां पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन है एडनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा तो ये हमारे पास चार है ठीक है तो अगर ये सिर्फ चार हैं अगर ये सिर्फ टोटल नंबर चार हैं तो ये कितने एसिड हम माइनोसिट कोड कर, करेंगे सिर्फ चार को ही कोड करेंगे अगर हम इसको पेयर कर दें मतलब अगर ये पेयर के फॉर्म में आ गए लाइक ए ए लाइक ए ए के फॉर्म में पेयर के फॉर्म में आ गया तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे चार इंटू चार तब कितना हो गया सोलह बट हमें पता है कितने अमाइनो एसिड हैं ट्वेंटी अमाइनो एसिड है तो सोलह तो क्या पड़ गया कम पड़ गया पड़ा कि नहीं सोलह क्या हो गया कम पड़ गया तो अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया अगर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में मतलब ये तीन नाइट्रोजनस बेस एक साथ हैं तो फोर इंटू फोर का क्यूब निकाला तो कितना आता है सिक्सटी फोर मतलब ये टोटल इनफ है किसके लिए ट्वेंटी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए मतलब सिक्सटी फोर नाइट्रोजनस बेसिस इज इनफ टू कोड फॉर ट्वेंटी अमाइनो एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ कुछ ठीक है तो फोर का क्यूब लगता है क्यों क्यूब लगता है मैंने अभी बताया अगर ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट है तो सिर्फ चार को करेगा अगर डबल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो सोलह को करेगा अगर ट्रिपल के फॉर्म में है तो ये सिक्सटी फोर को करेगा मतलब सिक्सटी फोर इज इनफ फॉर ट्वेंटी अमाइनो क्लियर तो अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन भी एसोसिएटेड जो कि लास्ट है लास्ट है हाउ मेनी सेंस कोड ऑन कोड फॉर ट्वेंटी अमाइनो एसिड ठीक है ऑप्शन है 61, 62, 63 एंड 64. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अभी मैंने लिखा यहाँ पे 64. तो 64 आंसर क्यों नहीं अभी हमने लिखा 64 तो लोग सोचेंगे कि सेकंड का ऑप्शन 64 क्यों नहीं है इसका ऑप्शन 64 क्यों नहीं है अब इसका आंसर 64 ना होने की एक वजह है एक इसकी वजह है जो सिक्सटी में से थ्री है जो थ्री कोडॉन है जो कल मैंने डिस्कस किया था सिक्सटी फोर में से थ्री कोडॉन है उनको हम क्या बुलाते हैं स्टॉप कोडॉन जो सिक्सटी फोर में से थ्री कोडॉन क्या नाम है कल बताया था मैंने यू ए एंड यू जी एडॉन है यू ए एंड यूजीए ये क्या है स्टॉप कोडॉन इनके लिए कुछ भी टी आर एन ए नहीं है इनके लिए कोई टी आर एन ए नहीं है देर इज नो स्पेसिफिक टी आर एन ए फॉर देम देर इज नो स्पेसिफिक टी आर एन मतलब ये कोड नहीं करते तो सिक्सटी फोर माइनस थ्री कम्स आउट टू बी हाउ मच सिक्सटी वन इट कम्स आउट टू बी सिक्सटी वन क्लियर हो गया यहां पे हमने ऑप्शन भी लिखा है आउट ऑफ सिक्सटी फोर कोडॉन्स थ्री कोडॉन्स आर टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन बच्चों यू ए यूजीए एंड यू ए जी ठीक है ये होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन देर फोर देर आर सिक्सटी वन कोडॉन्स डेट कोड फॉर ट्वेंटी अमाइनो एसिड क्लियर हो गया बच्चों सो so, इसका भी आंसर क्या है यहां पे आंसर हो गया हमारा ए इसका आंसर हो गया हमारा ए बच्चों क्लियर बच्चों गुड आज लगता है रोशन ऑनलाइन नहीं है क्लियर सर ए क्लियर हो गया बच्चों सबको ये कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाजिया और जब आप फिर लेट हो गए आए शाजिया आंसर yes. है सिक्सटी वन सेंस थ्री ऑन यस अंडरस्टूड हेमा गुड गुड बच्चो गुड बच्चो क्लियर हुआ कि नहीं ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हुआ सबको यस yes, सर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बताइए मुझे इसका आंसर विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड के आपको इसमें फीचर्स बताने हैं बताइए मुझे विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आंसर दीजिए बच्चों आंसर दीजिए ऑप्शन बी यस सर क्लियर ऑप्शन बी ऑप्शन बी सो बहुत लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी फैजान का भी ऑप्शन बी रोशनी का भी आंसर बी अश्विन का भी आंसर बी स्टडी एंड अचीव का भी आंसर बी सी अभी मैं देख रहा हूं यहां पे बहुत सारे नए बच्चे हैं तो मैं अपने फिर से एक बात बोलना चाहूंगा यूट्यूब पे जाइए ये वीडियोस आज का आई पे मिलेगी और साथ में आपको क्या करना है इंस्टासॉल्व को सब्सक्राइब करना है ठीक है बच्चों सो आज आप ये मेरे लिए करेंगे सब लोग मयंक का है ऑप्शन ए आई थिंक so. सो सो रोशनी आप जाके आज ही लाइक करेगा सब्सक्राइब करिएगा आपको हमारी सारी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी क्लासेस वहाँ पे आज का आई पे मिल जाएंगे एंड अगर आप इंस्टासॉल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो हम यूट्यूब पे भी लाइव जाना शुरू कर देंगे ठीक है क्लियर हो गया बच्चों हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड का क्या फीचर है ठीक है तो पहला है इट इज अ ट्रिपलेट और थ्री लेटर कोड ठीक है भैया सेकेंड द कोड इज ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक मतलब ये एक सीधी पटरी जा रही है इधर देखिए सब लोग ये एक सीधी पटरी जा रही है अब इसके ऊपर हमने एक और पटरी रख दी तो क्या हो गया ओवरलैप कर गया तो ये ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होते हैं नेचर तो ये एक स्ट्रेट अच्छा, फॉर्म रो में होंगे तो जेनेटिक कोड इज नॉट इज ओवरलैपिंग गलत है कोड इज कॉमनलेस यस इट इज करेक्ट द कोड इज कॉमनलेस दॉ डिसाइफर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक उस टाइम तो वॉट एंड क्रिक थे ही नहीं वॉटन एंड क्रिक ने नहीं किया ठीक है तो कौन कौन से करेक्ट है यहां पे कौन कौन से करेक्ट है यहां पे तो इट इज अ अट कोड इट इज अ ट्रिपलेट कोड द कोड इज कॉमन लेस यस द कोड इज कॉमन लेस तो ऑप्शन क्या होगा यहां पे ऑप्शन क्या होगा यहां पे बी ठीक है द आंसर इज बी एक्सप्लेन दिस Oh point, which point? This genetic code point. See, I will explain it over here. See, so basically, what is the genetic code? Genetic code was given by Gamow. So we know that how many nitrogenous overlapping point. Okay, fine. So let's talk about an overlapping point over here. Let's take my hand as a straight line. Take Okay, let's take my hand as a straight line. If I put one more straight line above my hand, so these two lines. Let's suppose this is one line. This is one line. Both the lines are going to overlap. Means, let's suppose on the line it is given ATGC something. So, it should be in a linear fashion. Means ATGC in this line, ATGC, then ATGC over here. So, this ATGC is not going to overlap each other. It will always be parallel. Means, side by side, it will always be moving. Like a railway track, it is always moving side by side. It is not going to overlap. If it is going to overlap, then

61 की क्या हमें वो याद करनी पड़ेगी बच्चों देखो कुछ कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा उस टाइम भी मैं सबको यही समझाता हूँ कुछ कुछ तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको याद करना ही पड़ेगा ये पूरा एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है अगर ये वो टेबल याद है तब तो आप कर सकते हैं हाई सोनू लेट हो गया आप सोनू ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है आपको थोड़े बहुत कोर्ट याद करने ही पड़ेंगे ठीक है ये कोर्ट याद करने ही होंगे आपको ठीक है बताइए इसका आंसर बच्चों इसका आंसर क्या होगा आंसर बताएं बच्चों डी एन ए सेगमेंट है ए जी ए जी सी ए टी ए सी सी ए सी ए एंड सी न्यूक्लियोटाइड इन अ सीक्वेंस द सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बस क्या करना है ये देखना है ए जी ए किसके लिए कोड करता है जी किसके लिए कोड करता है ए किसके लिए कोड करता है और सी सी एंड ए किसके लिए कोड करता है हाँ बेटा पूछो आप क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन पूछने में ही तो मजा आता है क्लास में तो फैज़ान का आंसर बी सोनू का आंसर भी आकृति का आंसर भी रोहित बी बहुत बच्चों ने बी दिया है आंसर यहाँ पे अश्वनी का अश्विन का आंसर है ए शिवम का आंसर है बी बहुत बच्चों ने इसका आंसर बी दिया आदित्य ने दिया है ए हट के आंसर ए आंसर रोहिणी का भी आंसर है बी ईशा का आंसर है ए ठीक है लेट्स सी इसका क्या होगा सोल्यूशन तो डीएनए सेगमेंट दे रखा है ए जी ए जी सी ए टी ए सी ए सी ए तो ये डीएनए सेगमेंट है तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन बी इन पे डील किया था लास्ट क्ला, क्लास में भी डील किया था तो डीएनए सेगमेंट किस पे कॉपी होगा एमआरएनए पे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एट नाइन की जगह था आना चाहिए बट थाइमिन आ नहीं सकता तो क्या आएगा यूरासिल ग्वानिन की जगह साइटोसिन इधर यूरासिल ठीक है तो यूसीयू कोर्ड्स फॉर सेरीन ठीक है सी जी यू फॉर आर्जेइन यू ए यू टायरोसिन जी जी यू ग्लाइसिन सिस्टीन एंड ट्रिप्टोफैन ठीक है तो ये कोड आपको याद करना पड़ेगा देखिए बहुत सारे कोड इन सब में क्वेश्चन में कुछ कुछ में हिंट्स दे देते हैं कैसे हिंट दे देते हैं वो ऑलरेडी टेबल बना के दे देते हैं ठीक है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है लिखा हुआ था यहां पे क्या लिखा हुआ है ये डी सेगमेंट है ये क्या लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है? एक डीएनए सेगमेंट है बच्चों ठीक है ये क्या है एक डीएनए सेगमेंट है जो कि आर पे कॉपी होगा ये एक डीएनए सेगमेंट है जो कि आर पे कॉपी होगा तो हमें सबसे पहले इसकी आर की कॉपी करनी है ठीक है इस पर हमें आर की कॉपी करनी है देन हमें कोड का अगर टेबल मेंशन है तो कोड का टेबल हमें देख मिल जाएगा नहीं तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा ठीक है बच्चों क्लियर हो गया वालेकुम यस यस लेट्स स्टार्ट मुनीश आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी इसी तरीके का है देखिए सब लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग बच्चों टी ए सी देन ट्रिपल जी देन ट्रिपल टी देन सी डबल ए देन सी ट्रिपल सी इफ इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए स्ट्रैंड देन प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मड इन प्रोटीन अब देखो बच्चों आपको ये याद करना पड़ेगा मैंने पहले भी अभी बोला था नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे भी ये क्या दे रखा है यहां पे ये यह है एक डीएनए स्ट्रैंड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों इसका क्या कन्वर्जन करेंगे बताएं मुझे इसका क्या कन्वर्जन करेंगे इसका हम क्या कन्वर्जन करेंगे आरएनए में कन्वर्जन करेंगे ठीक है क्योंकि ये क्या दे रखा है डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है ठीक है ये क्या है एक डीएनए स्ट्रैंड है क्लियर आई एम न्यू स्टूडेंट कोई नहीं आप जाइए सॉल्व के पेज पेज पे पे, पे, पे सब्सक्राइब करिए हमारी सारी वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगे ठीक है बच्चों तो फटाफट से देखिए बहुत बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट याद नहीं है किसी बहुत लोग को टेबल याद नहीं तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी एनसीआर में टेबल है बहुत बड़ी टेबल है बहुत अच्छी टेबल है आपको वो याद करनी पड़ेगी ठीक है बच्चों क्लास कौन सा है ये क्लास ट्वेल्थ का मॉलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक है ठीक है ठीक है तो देखिए डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा है यहां पे क्या डीएनए का स्ट्रैंड है ए सी ट्रिपल ए जी 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 ट्रिपल टी सी डबल ए सी अब देखिए आपको कुछ तो याद करने पड़ेंगे जैसे कि जेनेटिक कोड के वो उसमें भी लिखा है फीचर्स में भी एनसीआरटी में लिखा है दैट AUG जी इज अ डबल उसका रोल है AUG का क्या है डबल रोल है AUG का क्या है डबल रोल है पहला रोल क्या है इट इट इज साथ में फॉर तो आप ये देखिए किसका यहां पे methionine से शुरुआत हो रही है तो ऑप्शन बी में शुरुआत हो रही है एंड ऑप्शन डी में शुरुआत हो रही है. तो हमारा ऑप्शन बी होगा या तो फिर ऑप्शन डी होगा आंसर ठीक है एंड ट्रिपल यू किसके लिए होता है फिनाइल के लिए फिनाइल एल के लिए तो ट्रिपल यू क्या हो गया हमारा फिनाइल एलानिन देन हमारा थर्ड ऑप्शन में चेंज है यहाँ पे चेंज क्या है ग्लाइसिन और प्रोलीन में हमें अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोलीन नहीं देखा था, ग्लाइसिन देखा था हमने तो ये ट्रिपल सी कोड्स किसके लिए करता है प्रोलीन के लिए ट्रिपल सी कोड्स फॉर प्रोलीन ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों ये आप टेबल बना लीजिए आप याद करना शुरू कर दीजिए ठीक है एनुअल खान कौन होता है क्या होता है एनुअल खान क्या होता है मुझे खुद नहीं पता आई थिंक सो आप टाइपिंग मिस्टेक करें जस्ट टाइप राइट करिए ठीक है 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 बच्चों तो इसका 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 आंसर 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 क्या है? आंसर है इसका आंसर है इसका क्या डी डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में बच्चों मुझे इसका आंसर दीजिए देखते हैं कौन देगा इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई नीड द आंसर इट्स अ बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को करने में एलेवेंथ भी शुरू होगा बच्चे बहुत जल्दी ही एलेवेंथ भी शुरू सॉरी मैं इलेवेंथ भी पढ़ाता हूं रोहिणी एंड सोनू आप लोग सुन लीजिए आप आज का इटेन के उस पर जाइए आपको मेरे एलेवंथ के लेक्चर्स भी मिलेंगे अब आपने अगर इस क्लास को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था आपने तो फिर आपको वहां पे मेंशन था कि मैं अभी सेल और सेल डिविजन चैप्टर भी लूंगा आफ्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव हेल्थ मैं इसके बाद फिर से क्लास के दो टॉपिक लूंगा दैट इज सेल एंड सेल डिविजन तो मैं ऐसे करके मिक्स कर रहा हूं ठीक I mean, है बेटा आदित्य का आंसर आ गया थर्टी थ्री सुनिए एक सेकेंड बच्चे ने एक बच्चे ने मुझसे पूछा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो मैं बच्चे आपको समझा दूं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन वो प्रतिक्रिया है सॉरी प्रतिक्रिया को इट्स अ प्रोसेस प्रोसेस को शायद से प्रतिक्रिया ही कहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है लेट्स सपोज ये एक मेरा हैंड डीएनए है इसमें क्या है कोड प्रेजेंट है जैसे कि आपने रबर स्टैम्प देखा है रबर स्टैम्प क्या होता है कुछ लिखा होता है तो हम क्या करते हैं पहले उसको इंक में डालते हैं और फिर स्टैंप लगाते हैं तो सेम थिंग डीएनए क्या है मान के रखो वो रबर स्टैम्प का कोड है तो हमें क्या करना है पेपर पे उसका स्टैंप लगाना है तो डीएनए बेसिकली क्या होता है इट इज अ कोडेड सीक्वेंस और उस पर किसकी कॉपी किस पे हो रही आर एन ए पे द कॉपिंग ऑफ कोड ऑफ डी एन ए टू आर एन एज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन उस कोड को कॉपी करने को हम क्या बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ठीक है स्टडी एंड अचीफ का बी हाय सर हाई इंसॉल यूजर कैसे हो आप जेसिका का बी आदित्य का भी गुड ईशा का भी बहुत बच्चों का भी आंसर आया है हाय थरुण बहुत बच्चों का गुड भी आंसर आया है वेरी गुड मुझे मजा आया आपका सुन के अच्छा लगा आपका सुन के ये हाय दीपिका कैसे हुआ बच्चा ठीक है साहू का भी आंसर भी आया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे आई रियली अप्रिशिएट अब जिन जिन लोगों ने खुद सॉल्व किया है उनके लिए तारीफें जिन जिन ने कॉपी किया बेटा एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप ये सोच रहे हो कि हम आंसर दे देंगे नहीं आप पढ़ने के लिए आए हो आई एम वेरी है वेरी मच हैप्पी कि सबका आंसर बी आ रहा है ठीक है आई एम वेरी मच हैप्पी देख के कि, कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है या तो फिर क्या कर रहे हो एक ने बी लिखा तो हम भी लिखते हैं भी नहीं भेड़चाल में नहीं चलना है व टू बी द लीडर यू हैव टू बी द लीडर यू हैव टू बी द पर्सन हु नोज द आंसर पीछे घूम के नहीं हो पाएगा आज के जमाने में ठीक है बच्चो सो so क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन को पहले डिसाइफर करते हैं डिसाइफर भाई डिसाइफर करते हैं सी मैं कोशिश करता हूं दोनों में पढ़ाने की बच्चे ठीक है देखिए क्वेश्चन है इफ देयर आर 999 बेसिस इन अ इन एन आरएनए दैट कोड्स फॉर 333 अमाइनो एसिड एंड द बेस एट 901 पोजीशन इज डिलीटेड दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स 998 बेसिस हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने हैंड रिटन किया है ये एक बुक का एक्सप्लेनेशन था वो छोड़ दीजिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा हैंड रिटन किया है ठीक है थोड़ा सा आप देख के करिए क्योंकि मैं इसको जूम नहीं कर सकता क्योंकि हैंड रिटन था फट जाता पूरा ये सो बेसिकली हमारे पास कितने बेसिस हैं 999 बेसिस गिवन है कितने बेसिस हैं 999 बेसिस हैं और उसके कितने थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री अमाइनो एसिड है 333 ठीक है तो हमें क्या पता है तीन बेस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। अभी हमने बात की थी कि तीन बेस का एक पेयर बनके एक कोडॉन बनाता है तो एक बेस में कितना हो गया एक बेस के लिए अगर हम निकालें तो वन बाई थ्री तो नाइन आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ऑल्सो बेटर आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ऑल्सो जस्ट गिव मी अकेंड लेट मी एक्सप्लेन दिस इन हिंदी देन आई एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश नॉट इन कन्नड एंड तमिल ओके So, अब यहां पे कितना है अगर हम 999 बेसिस का देखें तो क्या हो जाएगा ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं किससे हंड्रेड एंड वन बेसिस डिलीटेड अगर नौ सौ एक वो सो तक आपका सब कुछ सही रहा जैसे ही नाइन हंड्रेड एंड वन आया है वो डिलीट हो गया तो क्या होगा देखो लिखा है यहां पे That means बेसिस वन टू नाइन हंड्रेड इज नॉट चेंज सो कहां से ऑल्टरेशन शुरू होगा नौ सौ दो से नौ सौ निन्यानवे तक और अब हमें क्या करना है नाइन हंड्रेड बेस मीनस मतलब नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री नाइन हंड्रेड डिवाइड करना है किससे थ्री से नाइन हंड्रेड को हमें किससे डिवाइड करना है थ्री से अगर हम नाइन हंड्रेड को थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड सो अब क्या करना है बस टोटल में से 300 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा टोटल में से 300 हम माइनस कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों ठीक है वालेकम असलम अंसार, जावेरी अंसारी राइट लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश नाउ दो यू हैव प्रॉब्लम इन हिंदी नॉ लिशन केयरफुली इन द क्वेश्चन वट इज बीन गिवन The question, the given portion was 999 bases were given. That had how much? That code for 333 amino acid. Okay, that codes for 333 amino acid. Right, so 3 bases will code for 1 codon. We all know this. 3 bases are going to code for 1 codon. Theke? so if you are going to take for 1 base. So, if you are going to reverse it up for 1 base, it will become 1 by 3. And for 999 bases, it will be 999 divided by 3. That comes out to be how much how many codons? That comes out to be, that comes out to be 333 codons, right? how many it came? 333 codons. Now in the question, what is being mentioned that if the 901 base is deleted, right? If 901 base is deleted, then what is the change? So till 900 whole completion is there till 900 complete basis has been formed but after 900 we have put our road blockage so you cannot move from 902 onwards you are not going to move from 902 to 990 and means it is going to get altered now so now how to find it out now so we are going to do what we are going to divide 900 by 3 if we are going to divide 900 by 3 it comes to be 300 Good on So how many codons has been transcribed? 300. So total codons was given 333. Yes, it is a frame shift after 900. Very good, Roshan. Right? 300. So 333 minus 300 gives out to be 33 codon. Clear? Samaj mein aya kya? Magaj mein chhaya kya? Bacho? Aur ye... इसका सलूशन और इसका क्वेश्चन मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने दिया था वन ऑफ माई माई फेवरेट स्टूडेंट्स ने इसका सोल्यूशन दिया था मुझे लिख के यस सर टोटली क्लियर एनी डाउट इन दिस आंसर विल बी वॉट थर्टी थ्री आंसर क्या है इसका तैतीस होगा इसका आंसर तैतीस होगा इसका आंसर सी मुझे भी थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत लेकिन कोई नहीं चलेगा थैंक यू सुधीर आई काई को लेट लेट थैंक यू क्षता सो देखिए अब ये इसका बुक में सोल्यूशन क्या था इतना छोटा सा सोल्यूशन था बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सोल्यूशन में तो बच्चे पूछने आते हैं सर ये कैसे होगा सो वन कोड ऑन कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिस देर फोर डिलीशन ऑन नाइन हंड्रेड वन पोजिशन विल एफेक्ट थर्टी थ्री कोडॉन आई एम राइट सर यस यू आर राइट बहुत बच्चे यहां पर राइट right थे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बच्चों नो बच्चा कल छुट्टी संडे रेस्ट डे मंडे को हम फिर मिलेंगे अभी ये क्वेश्चन करेंगे आंसर दें बच्चों सब लोग जैसे मी द आंसर शाजिया आंसर दें स्टडी एंड अचीव आंसर आकृति कैको सुधीर अक्षता रोहिणी स्टडी एंड अचीव एवरी वन गिव मी द आंसर आंसर दे दोनों क्वेश्चन का नहीं बच्चे अभी इलेवेंथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हम मिक्स कर रहे हैं हम इलेवंथ को भी मिक्स कर रहे हैं ट्वेल्थ को भी मिक्स कर रहे हैं तो अभी सिर्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कौन सा लेक्चर है आपके स्टार्टिंग में जब आप लाइव का ऑप्शन था तो मेरे ख्याल से ये नाइन्थ लेक्चर है हमारा ठीक है ये हमारा अभी नाइन्थ लेक्चर है अभी टाइम है हमारे आगे के लेक्चर्स में आने में सो नेक्स्ट वीक हम फिर से दो टॉपिक उठाएंगे दो टॉपिक इलेवंथ के उठाएंगे दो टॉपिक हम ट्वेल्थ के उठाएंगे तो इसी तरीके से हम इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का हम क्लियर करा रहे हैं ठीक है हम इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का हम बेटा मैं बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं बोर्ड्स के लिए इतना फोकस नहीं जितना हम अभी नीट के लिए क्योंकि बोर्ड्स हो चुके हैं ठीक है आंसर दीजिए बच्चों जैसे कि आई नीड द आंसर नाउ स्टडी इन अचीव आंसर स्टडी एंड अचीव ने कुछ लिखा था इन गेट द पॉइंट स्टडी इन अचीव वॉट यू हैव रिटन लेट मी सी थैंक यू सर फॉर टीचिंग इन इंग्लिश थैंक यू बेटा इट्स माई इट्स माई ड्यूटी टू टू मेक यू अंडरस्टैंड हाँ पेपर तक तो कंप्लीट हो जाएगा बेटा क्योंकि सब कुछ सिलेबस खिंच चुका है C, A, C, 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 on, आंसर इज सी रोहिणी आंसर इज ए स्टडी ने अचीव ए फर्स्ट का सी सेकंड का बी फर्स्ट का सी सेकंड का बी फर्स्ट का सी सेकंड का बी कमॉन बच्चों आंसर दिए फटाफट से जो भी बच्चे रह गए आंसर दीजिए इसका आई नीड द आंसर फास्ट स्टार्ट टाइपिंग अब जो बच्चे मुझे इस वक्त यूट्यूब के पेज पे देख रहे हैं बहुत बच्चे मैंने अभी चेक किया कि यूट्यूब के पेज पे भी हमें देख रहे हैं इस वक्त तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा अभी पूछ रहे हूँ कि आंसर करना है क्योंकि अभी कमेंट्स नहीं कर सकते तो बेसिकली आपको क्या करना है हमारा एक ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप स्टोर पर नहीं है ये अभी ये एंड्रॉयड फ़ोन पर आपका यह ऐप आप है इंस्टा सॉल्व ऐप उस पर जाइए रजिस्टर करिए रजिस्ट्रेशन इज फ्री आप रजिस्टर करिए और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे कुछ कहीं कोई पेमेंट का नहीं है आपकी पढ़ाई है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों आइए फटाफट से आंसर दीजिए आंसर दीजिए बच्चों सब लोग आई एम अ न्यू स्टूडेंट ओके कोई फर्क नहीं मेरे लेक्चर की टाइमिंग दो से तीन होती है बेटा ठीक है दो से तीन अंजलि का आंसर है फर्स्ट का सी सेकंड का बी जिगर का सेकंड का बी सर ए बी बी जेसिका का सेकंड का बी जैकब एंड मोनाट स्टडी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इक्वलाइ एंड प्रपोज ओपरॉन कॉन्सेप्ट ओपरॉन कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल फॉर ऑप्शन है ऑल प्रो कैरियॉर्स देन सेकंड ऑप्शन है ऑल प्रो एंड सम यू देन

ये एक साइंटिस्ट का नाम है 1961 में 1961 में जैकब एंड मोनार्ड ने क्या दिया था ओपरॉन कॉन्सेप्ट दिया था फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रो ठीक है ये पहले दिया था सबसे पहले इन्होंने दिया इन प्रो में किसने दिया था आई विल टीच दिस आई विल टीच दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश जस्ट गिव यू मिनट सो ओपरॉन मॉडल शुरुआत में किसने दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने किस में दिया था प्रो में लेटर ऑन इन यू कैरियॉर्ट्स यू कैरियॉर्स ने दिया ब्रिटेन हरभजन सिंह की गुगली आ गई हरभन सिंह याद है आपको हमारा इंडियन टीम टीम क्रिकेट टीम का स्पिनर बहुत बेहतरीन स्पिनर सो so देखो अब क्या हुआ हम जनरली हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ जैकअ एंड मोनाट के बारे में और आपके हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए लेकिन अब ये याद रखिएगा यूकैरियोट्स में भी ये होता है किसने दिया था ये ब्रिटेन एंड डेविडसन में ठीक है ब्रिटेन एंड डेविडसन में राइट सो बेसिकली इन बैक्टीरिया द जीन डेट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर असेंबलिंग द एंजाइम फॉर अ मेटाबॉलिक पाथवे आर यूजली क्लस्टर्ड टुगेदर ऑन टूगेदर क्रोमोसोम इन अ फंक्शनल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एन ओपरॉन रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सीथज इन यू इज एक्सप्ले बाय जीन बैटरी मॉडल ये एक उन्होंने मॉडल दिया था जीन बैटरी मॉडल क्लियर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं नाउ हु वांट्स वांट्स टू टू बी हु स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश फॉर देम इट्स द आंसर ओवर हियर सो द क्वेश्चन स्टेट दैट जेकब एंड स्टडी लैक्टोज मेटाबोलिज्म इन इक्वलाइ एंड प्रपोज ओपरॉन कॉन्सेप्ट ओपरॉन कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर सो बेसिकली वॉट वी स्टडी That the Opron model is given by Jacob and Monard in 1961. And in NCRT, it's been mentioned that it's been given for prokaryotes for E. coli. Which for which microorganism it is given for? It is given for extraction coli. E. coli. Right? It is given for extraction coli. E. coli ke diya tha. Right. So basically in bacteria. So... It was given by Jacob and Monod in 1961 for prokaryotes. Later on, there was a scientist called as Britton and Davidson, who found that this is there in eukaryotes also. So, what we have to remember? Jacob and Monod given for prokaryotes. Britton and Davidson has given for eukaryotes, and the model is called as gene battery model. The model is called as what? Beta gene battery model. Clear for this? So these two things you have to remember. This is not given in your NCRT. In NCRT, what is mentioned? Jacob and Mana prokaryotes. But now you have to remember Britain and Davidson for eukaryotes. Clear? So the answer over here is what? The answer is C, that is all prokaryotes and all eukaryotes. TK? -e? Clear?

सो so, अब प्रमोटर जीन क्या होता है पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है मैं आपको एक एक करके सारे जीन बताता हूं ठीक है जो पहला जीन लिखा है जो पहला जीन का क्या लिखा है यहां पे रेगुलेटर जीन द फर्स्ट जीन रिटर्न ओवर हेयर इज रेगुलेटर जीन ठीक है रेगुलेट मतलब रेगुलेट मतलब इट्स लाइक अ मॉनिटर जो रेगुलेट करे क्लास को सर इन एग्जाम इफ दे आर गिवन प्रो अगर सिर्फ प्रो लिखा है तो आप प्रो मार्क करेंगे अगर ऑप्शन में इस तरीके से लिखा है अगर यहां पे इस ये भी इस टाइप का एक ऑप्शन दे रखा है तो आपको ऑल मार्क करना है ऑल यू कैरियर ऑल्सो अगर नॉर्मल करके पूछा गया तो आप प्रोकैरियोट्स ही मार्क करेंगे ठीक है बच्चे हाँ मैंने पढ़ लिया जैसे आंसर मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है अगर नॉर्मल पूछा गया है अगर इसमें कहीं यू का जिक्र नहीं है ठीक है और एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे आपने एक सही पॉइंट पकड़ा है आपने एक बहुत सही पॉइंट पकड़ा है जैसे कि आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस मजा आ गया मुझे इस पॉइंट को पकड़ के जब आपने ये पॉइंट पकड़ा है कि जैकब एंड ही तो मेंशन है यहां पर बच्चे क्या मेंशन है सिर्फ यहाँ पे जैकब एंड मोनाड ही तो मेंशन है तो अगर जैकब एंड मोनाड की हम बात करें तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बताए मुझे ऑल प्रो कैरियस समझ में आया आप लोगों को यहां पे सिर्फ जैकब एंड मोनाड ही प्रेजेंट है अगर सिर्फ लिखा होता ओपरॉन कॉन्सेप्ट तब हम दोनों मार्क कर सकते थे लेकिन यहां पे जैकब एंड मोनार करके स्पेसिफिक कर दिया है यस गुड बच्चे तो ये बुक का आंसर गलत है ये है यहां का आंसर यही होता है जब हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं देखिए यही यही अच्छा लगता है जब बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं यस जैसे का कि जब आप सामने सामने इंटरेक्ट करते हैं जब आप खुद का अपना दिमाग भी लगाते हैं तब क्या होता है एक टीचर को मजा आता है समझाने में तब एक हमारी क्या बढ़ती है पावर बढ़ती है क्लास ठीक है हम इम्पावर करते हैं सब्जेक्ट को मतलब हम एक सब्जेक्ट को और अच्छे से समझते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से रेगुलेटर जीन क्या होता है बच्चे रेगुलेटर जीन आर दो जीन जो कि क्या होते हैं कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेसिंग इन नेचर मतलब वो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं ठीक है रेगुलेटर जीन इज कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेसिंग इन नेचर इसको हम इनहिबिटर भी बुलाते हैं रेगुलेटर जीन को हम क्या बुलाते हैं पॉइंटर कहेंगे हाँ इसको हम क्या बुलाते हैं इनहिबिटर जीन भी बुलाते हैं रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटर इनहिबिटर का मतलब क्या होता है जो रेगुलर जो जो रोके जो रोके अब चलिए आपके घर के बारे में बात करते हैं पर्सनल टॉक्स करते हैं थोड़ा सा अब आपके घर में एक मम्मी होते हैं पापा होते हैं सो so एक बात बताइए कॉन्टिन्यूसली कौन काम करता है आपके घर में पापा या मम्मी बताएं सब लोग आपके घर में कॉन्टिन्यूसली कौन काम करता है पापा या मम्मी काम करते हैं माँ यस मम्मी सबके घर में कॉन्टिन्यूसली काम कौन करता है मम्मी लेकिन हम एम्पावर किसको करते हैं पापा को ठीक है बट हमें उन हमें दोनों को एम्पावर करना चाहिए बट आपको हमें यह देखना चाहिए अवर मदर वर्क फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स उनका काम कभी नहीं रुकता हमारा काम रुक जाएगा अभी थोड़ी देर बाद बट माँ का काम नहीं रुकता तो सेम थिंग रेगुलेटर जीन क्या इट इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइजिंग यस और नो तो हम उनको क्या बुलाते हैं बच्चों हाउस कीपिंग जी क्या बुलाते हैं हम उनको हाउस कीपिंग जीन राइट क्यों बुलाते हैं रेगुलेटर जीन बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली काम करता है तभी हमने उनको क्या नाम दिया है हाउस कीपिंग और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन लिख लीजिए कॉपी में सब लोग लिख लीजिए कॉपी में क्या लिखेंगे हम कॉपी में रेगुलेटर जींस आर आल्सो कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन वाई बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइजिंग इनिशियल मतलब वो चौबीसों घंटा काम करना है उनको लाइक अवर मदर्स ठीक है क्लियर हो गया ऑपरेटर जीन हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन नेक्स्ट है क्या हमारा स्ट्रक्चरल जीन सो जी जो स्ट्रक्चरल जीन है ये जो स्ट्रक्चरल जीन है क्या करता है अगर हम लैकोप्रोन के बारे में बात करें हम अगर हम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो ये तीन के लिए कोड करता है दैट इज वाई ए इट हैज थ्री स्ट्रक्चरल सो बेसिकली क्या करता है कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक है इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक हाइट एक्टिविटीज ठीक है ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन ठीक है तो अब स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों बताओ मुझे बच्चों मुझे बताओ स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बुलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन बताएं मुझे स्ट्रक्चरल जीन कॉल्ड स्ट्रक्चुर ना एक्सॉन गलत है यहां पे स्ट्रक्चरल जीन को अगर हम रेगुलेटर जीन को हाउसकीपिंग जीन बुला रहे हैं तो हम स्ट्रक्चरल जीन को क्या बुलाएंगे सिस्ट्रोन नहीं 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 लग्जरी जीन्स बच्चे स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बुलाते हैं लग्जरी जीन मतलब जब उनका मन करेगा तब वो काम करेंगे ये सर रो जैसे इट्स लाइक अवर फादर्स उनके नौ घंटे जॉब है नौ घंटे काम करने के बाद घर पे आराम है भाई मेरा भी क्या है नौ घंटे काम फिर आराम तो मेरा क्या है मेरी लाइफ लग्जरी है बट जो घर पे ट्वेंटी फोर काम कर रहे हैं उनका क्या है हाउसकीपिंग काम राइट क्लियर सो ये याद रख लीजिए स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बुलाते हैं लग्जरी जीन क्या बुलाएंगे बच्चों लिख लीजिए कॉपी में सब लोग स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज लग्जरी जीन मतलब जब जरूरत होगी तभी वो काम करेंगे जब जरूरत नहीं है तो कौन काम करता रहेगा हमारा रेगुलेटर जीन गुड आफ्टरनून पीयूष गुड आफ्टरनून दो पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं बच्चों लिखिए यस yes. अगर ये दो डेफिनेशन क्लियर हैं तो यस लिखिए सर एस वी टी यू ए टी मीन बेटा यहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है इट इज एस वी पी यू ए टी सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ठीक है इट्स अ आई कॉलेज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज ठीक है इट्स अ वेरी बिग आई कॉलेज ठीक है So, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं ये दो पॉइंट दो डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं बताइए यस लिख के मुझे हाउस कीपिंग जीन एंड रेगुलेटर जीन के बारे में यस 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 क्लियर अब नेक्स्ट आता है प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन क्या होता है इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता इन प्रमोटर जीन देर इज नो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन डज नॉट अकर इन दिस जीन ठीक है और ये क्या होता है इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आर एन पॉलीमरेज ठीक है इसका होता है इट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ व्हाट आरएनए पॉलीमरेज अब आ गया हमारा लास्ट जीन दैट इज ऑपरेटर जीन अब ऑपरेटर जीन का कोई सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होता अब ऑपरेटर जीन क्या करता है इट कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ एम ये क्या करेगा कंट्रोल करता है सिंथेसिस। तो रिप्रेसर प्रोटीन अगर हम इधर डायग्राम में तो देखिए रेगुलेटर प्रोटीन ने यहां पे क्या किया रेगुलेटर प्रोटीन ने क्या बनाया रिप्रेसर प्रोटीन मैं इसको कलर कर देता हूं इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन अब यह रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा और ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा यहां पे कर गया बाइंड भाई ठीक है ऑपरेटर साइट हो गई कंप्लीटली ब्लॉक ठीक है ऑपरेटर साइट हो गई कंप्लीटली ब्लॉक अब समझो यहां पे आगे आर एन पॉलीमरेज इसने मूव करना शुरू किया इसने आगे मूव करना शुरू किया बट क्या है यहां पे रोड ब्लॉकेज है तो क्या ये आगे मूव कर पाएगा नहीं मूव कर पाएगा ठीक है तो बेसिकली क्या करता है ये रोड ब्लॉकेज का, का काम करता है तो मीन्स इट ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर है इट ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर एमआरएन ए आंसर ओवर हियर इज व्हाट बच्चों इसका आंसर क्या है हमारा ऑपरेटर जी बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया वेरी गुड ठीक है बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया सर प्लीज एक्सप्लेन रेगुलेटर स्ट्रक्चर जी ऑपरेटर जीन इन इंग्लिश सर स्टडी एंड अचीव इंग्लिश नाउ लिसन केयरफुली नाउ सो इन जीन सीक्वेंस वी हैव डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट Like regulator gene, operator gene, promoter gene, and structural gene. So regulator gene is a continuously synthesizing in nature, means it will work 24 by 7. It is not going to stop. If you will see this diagram, regulator gene is going to make the repressor protein, protein all the time. So that's why the, the regulator gene is called as what? It is called as housekeeping gene or inhibitory gene or constitutive gene. So we have three names for regulator protein. Clear? Till here. Now, the next protein that we are going to discuss over here is a structural gene. Structural gene is a luxury gene, means whenever it has to work, it will work. Means whenever there is a requirement into the body or there is a particular condition into the body or in a cell, then it's going to work. So that's why it is called as is what? Luxury gene. Right? That's why it is called as the luxury gene. Now, if you'll talk about the promoter gene, promoter gene is the site of attachment of RNA polymerase right it is not going to express right self expression is not there for the promoter gene so just remember what is the function of a promoter gene it is the site of attachment of rna polymerase now next is operator gene operator gene is that gene where is that gene where there is no self expression first thing second point for them is that the repressor protein is going to come and bind to the operator site when this repressor protein is going to bind to this operator site when this repressor protein is going to bind to the operator side, what is happening? It is providing a road blockage over here. It is providing a road blockage. When the RNA polymerase will come and will try to move forward, it will form a hindrance over here. So it is not going to move forward. So transcription is not going to occur. Means this structural gene is going to do what? It is going to rest. So that's why right, we are calling them as luxury gene. Clear? Clear okay? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचजीपी का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है बच्चों बताओ मुझे कम ऑन टेल मी द आंसर देंसर बॉयज एंड गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड इन ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज इट्स ओके स्टडी एंड आई एम हेयर फॉर यू ओनली आई एम हेयर फॉर यू गॉइज ओनली

आंसर बताएं बच्चों रोहिणी का आंसर है डी बेटा गलत है रोहिणी इंस्टासॉल यूजर बी रोशन आंसर सी अक्षता आंसर सी शाजिया आंसर सी बहुत बच्चों ने यहाँ पे सी आंसर दिया है वेरी गुड वेरी गुड कुछ बच्चों ने थ्री थ्री थाउजेंड भी आंसर दिया था सौम्या छाबरा थर्टी थाउजेंड कोई नहीं बच्चों इट्स ओके okay. मयंक का आंसर बी अस्सी हजार आदित्य का आंसर सी तीस हजार तो बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है थर्टी थाउजेंड देखो बच्चों मैंने एक क्लिपिंग रखी है एनसीआरटी की ये मैंने एनसीआरटी से स्क्रीनशॉट लेके ये मैंने पॉइंट्स डाले हैं ठीक है ये सब कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल है तो मैं आपके लिए फटाफट से इसको रीड आउट कर देता हूं आंसर सी ही है सबका सर मेरा ठीक है ये yes, आपका ठीक है जैसे का अब दोनों का आंसर ठीक है थर्टी थाउजेंड इज द आंसर यस नाउ लेट्स रीड आउट गिवन इन द एनसीईआरटी जो ह्यूमन जीनोम है क्या लिखा है एनसीईआरटी में हमारा ह्यूमन जीनोम कंटेन्स थ्री थ्री थाउजेंडन वन हंड्रेड एंड सिक्स सॉरी थ्री वन सिक्स फोर पॉइंट सेवन मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने 3, the average का कितना होता है बेस जीन कितना होता कंसिस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड बेस बट साइज वेरी ग्रेटली विथ द लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन किसका है डिस्ट्रोफिन का कितना टू पॉइंट फोर मिलियन बेसिस ठीक है टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट थर्टी थाउजेंड रहनेटी थाउजेंड मच लोअर देनिवियस पहले हमने कितना सोचते थे पहले कितना जीन है अस्सी हजार से लेकर एक लाख चालीस हजार जीन है बट लेटर ऑन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो कितना पता चला हमारा कितना है तीस हजार है ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ न्यूक्राइट बेसिस आर एक्जैक्टली सेम इन ऑल पर्सन मतलब अगर हम आपके बारे में बात करें और हमारे बारे में बात करें अगर हम आपके बारे में बात करें और हमारे बारे में बात करें तो हम कितने परसेंट सेम है आप और मैं 99.9 परसेंट सेम है। सारे ह्यूमंस 99.9 परसेंट सेम होते हैं जो कि हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहता है द फंक्शन ऑफ फिफ्टी परसेंट जीन इज डिस्कवर्ड मतलब हमारा सिर्फ फिफ्टी परसेंट हमने जीन का डिस्कवर किया लेस देन टू परसेंट ऑफ जेनेटिक जीनोम कोड इज फॉर प्रोटीन क्लियर यस नेक्स्ट रिपीटेड सीक्वेंस मेक वेरी लार्ज पोर्शन मतलब जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो क्या करता है बहुत लार्ज पोर्शन बनाता है क्लियर नेक्स्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए डाटा रिपीटेड मेनी टाइम्स इसको हम बुलाते हैं वी एन टी आर ऑलसो वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ये बहुत लार्ज नंबर बनाते हैं हमारे में ठीक है क्रोमोजोम वन में कितना जीन है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट स्क्रीन ब्लर ब्लर है बिकॉज क्योंकि मैंने एनसीआर से इसको लिया आपको एनसीआर बुक खोली आपको मिल जाएगा ये नहीं तो आपको पीपीटी मिल जाएगी इसकी ठीक है क्लियर हो गया तो इसका आंसर क्या है बच्चों इसका आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए यूजुअली यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स आर अभी जस्ट मैंने बताया दो सेकंड पहले इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सी मीजा इज आल्सो हियर टू अटेंड माय क्लास सी इज जस्ट सिटिंग नियर माय लैपटॉप ठीक है द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए यूजफुल इन यूजफुलर प्रिंटिंग आर वॉट सबने आंसर दे दिया है ए वी एन टी आर वी एन टी आर का फुल फॉर्म होता है, है बच्चों तो ये वीएन टी आर कैसे किस सीक्वेंस का होता है पहली बात क्वेश्चन ये बताइए मुझे वीएन टी आर किस सीक्वेंस का होता है ये वी एन टी आर होता है ए टी सीक्वेंस रिच ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन है यहां पे वैसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन बट मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा सो वी एन टी आर किस सीक्वेंस में रिच होता है यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंटर लेके पेन लेके के एटी रिच सीक्वेंस में रिच होता है किस सीक्वेंस में रिच होता है ये एडनाइन थाइमिन के सीक्वेंस में ये रिच होता है ठीक है पहली चीज और वी एन टी आर को हम और क्या बुलाते हैं हम वी एन टी आर को बुलाते हैं मिनी सेटेलाइट क्या बुलाएंगे बच्चों मिनी सैटेलाइट बुलाते हैं ठीक है बच्चों मिनी सैटेलाइट बुलाते हैं और इसके अंदर शॉर्ट रिपीट होते हैं कितने रिपीट होते हैं 60 बेस पेयर्स के ठीक है इसके अंदर रिपीट होते हैं 60 बेस पेयर के राइट यस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट तो इसमें कितना होता है नंबर 11 ग्यारह से लेके 60 होता है कितना 11 से लेके साठ होता है इलेवन टू सिक्सटी इज देयर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट तो इसको हम क्या बुलाते हैं माइक्रो माइक्रोसेलाइट बुलाते हैं इसमें कौन सा सीक्वेंस रिच होता है Adenine, का सीक्वेंस रिच होता है तो आंसर देखते हैं आर शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेंजिंग बिटवीन जीरो पॉइंट वन टू ट्वेंटी किलोबेस इन साइज दे प्रोवाइड द साइंटिफिक मार्कर ऑफ आइडेंटिटी नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट क्लियर यस ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताया मैंने डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में बताया था मैंने बताया मुझे इसका आंसर डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन हैविंग हाउ मेनी मिलियन बेस बेसफेयर बताए मुझे अंजलि जेसिका का अनिदा आंसर टू पॉइंट फोर सौम्या का आंसर टू पॉइंट फोर हमारी क्लास में सनी लियोनी भी है वाह हिमांशी का आंसर वन पॉइंट एट रोशन टू पॉइंट फोर रोहिणी टू पॉइंट फोर वन पॉइंट एट ठीक है सो डिस्ट्रोफिन जीन क्या होता है पहला क्वेश्चन देखिए ये याद रखेंगे हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में यहीं पर उस पर जो डिस्ट्रोफिन जीन है ये होता है पहली बात एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट किस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है ठीक है एंड इट इज द लार्जेस्ट जीन नोन और उसका साइज कितना होता है 2.4 मिलियन बेसिस कितना होगा 2.4 मिलियन बेसिस तो याद से लिख लीजिए सब लोग जीन किस पे प्रेजेंट है 2.4 ठीक है नो सो no. so, कितना है 2.4 मिलियन बेसिस ठीक है डिस्ट्रॉफिन जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम विथ टू मिलियन बेसिस ठीक है अब जो स्मॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट जो है वो कहां पे प्रेजेंट है टी डी एफ में टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो स्मॉलेस्ट है वो कहां प्रेजेंट है टीडीएफ में टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर पे कितना होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर पे बताइए मुझे सब लोग देखते हैं अब अभी आंसर दे मुझे अंजलि जैसे आंसर दीजिए जैसे का आंसर दीजिए मुझे स्मॉलेस्ट टीडीएफ पे होता है टेस्ट इज फैक्टर पे कितना होता है डिटरमाइनिंग फैक्टर पे कितने बेसिस होते हैं टेस्ट इज फैक्टर पे बताइए मुझे टीडीएफ में टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर में कितने बेसिस होते हैं बताएं मुझे बच्चो फाइव को का आंसर रोशन आंसर दीजिए टीडीएफ में टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर में कितने बेसिस प्रेजेंट होते हैं बेटा मैंने टी पूछा है रोहिणी का आंसर आया फोर्टीन वेरी गुड रोहिणी क्लैपिंग फॉर यू वेरी गुड रोहिणी ठीक है टीडीएफ टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर में कितने होते हैं चौदह बेस पेयर होते हैं फोर्टीन फोर्टीन बेसिस आर प्रेजेंट इन टी ठीक है वेरी गुड कही को आप सबका आंसर आ रहा है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुआ था बताए मुझे ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर विच पहले का आंसर है 1988 अच्छा नहीं ओके सॉरी जैसे कहातू का आंसर उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ नब्बे यहाँ पे कोई भी बॉर्न भी नहीं हुआ था उन्नीस सौ नब्बे में मैं भी नहीं ठीक है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाइनटीन नाइन्टी में ही शुरुआत हुआ था और खत्म हुआ था दो हजार तीन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था नाइनटीन नाइन्टी में और खत्म हुआ किस में दो हजार तीन में अक्टूबर टू थाउजेंड थ्री में ये एंड हुआ था ठीक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसने शुरुआत किया था इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट क्या था एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी कीमत कितनी थी नाइन बिलियन यूएस डॉलर कितनी कीमत थी इसकी नाइन बिलियन यूएस डॉलर और एक बेस पेयर को कोड करने के लिए एक बेस पेयर के लिए कितना पैसा लग रहा था थ्री यूएस डॉलर सो थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन वाइन बेस पेयर के लिए कितना लगा नाइन बिलियन यूएस डॉलर और यह किसने शुरू किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने शुरू किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने शुरू किया था एंड वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके रोहिणी का आंसर क्या था बेटा आप देखते हैं 1990 तो लिखा होगा सबने ठीक है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके तो तीन ऑर्गेनाइजेशन ने किया कौन कौन से ट्रस्ट ऑफ यूके ठीक है क्या क्या है Both B and C. Answer क्या है यहाँ पे है पे अब देखो US Department of Energy, जो भी Netflix देखता है या कोई अगर वेब सीरीज देखता है यूएस वेब सीरीज एनी वेब सीरीज तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को बहुत यूज करते हैं बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ठीक है बहुत बोलते हैं एलियन रिसर्च होते हैं यहाँ पे सो so, सॉरी आंसर इज रॉन्ग आई हास्ट फ्रॉम अलेक्सा ही ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फटाफट से आंसर दीजिए विद इन टेन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए इसका मैच करें और आंसर दें सब लोग कम ऑन फास्ट फर्स्ट फर्स्ट मैथ द फॉलोइंग इन गिव मी द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स स्क्रीन इज ब्लर बिकॉज शायद आपका नेटवर्क इश्यू बट अभी आपको ब्लर नहीं है कई को का आंसर आ चुका है डी आंसर दें बच्चो आंसर दें डी आंसर नहीं है आंसर है बी देख लीजिए सब लोग स्क्रीन पर मैंने आंसर शो कर दिया है अभी फटाफट से करते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है अब हमारे पास वीएनटीआर किसके लिए करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी हमने बात की थी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट लैक ओपरॉन किसके लिए करेगा बीटा कलेक्टोसाइडे जेनेटिक कोडॉन इज अनबिगियस इन नेचर एंड ओकाजा के फ्रेगमेंट में क्या यूज होता है डीएनए लाइगेज सो आंसर क्या हो गया यहां पे बी आंसर हो गया यहां पे क्या बच्चों बी नेक्स्ट क्वेश्चन बताफट से बताइए मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे यस आंसर था बी अब इसका बताइए प्रो ट्यूबर प्रो यूट्यूबर होना चाहिए था प्रो ट्यूबर का रखा है अपने नाम <laughs> अब इसका आंसर बताइए बच्चों व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा सर माय यूट्यूब चैनल सर व्हाट्स योर व्यूब चैनल नेम प्रोट्यूबर फाइन आई विल चेक यू ठीक है बच्चे आप क्या करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल को भी देखेंगे कौन सा इंस्टा सॉल्व एंड आस्क आई सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी हमारी जितने भी आर्ट क्लास प्रीवियस हुई है आंसर दिया जैसे सी आदित्य ने दिया सी स्टडी एंड अचीव सी रोशन सी ईशा का भी आंसर क्या है सी चलिए फटाफट से देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका देखिए मैंने यहां एक सीक्वेंस बना रखा है ठीक है एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस बना रखा है न्यूक्लियस में ये सब कुछ हो रहा है तो जीन से क्या होगा इधर देखिए जीन पे क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन से क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा एम बनेगा आर एन ए का क्या होगा ट्रांसलेशन होगा और फिर उसका क्या बनेगा प्रोटीन सो आंसर क्या है इसका सी जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ फिर वो एमआरएन ए का ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना प्रोटीन बना ये एक पूरा सीक्वेंस मैंने बना रखा है देखिए यहां तक पूरा कहां हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का, का काम हो रहा है वो कहां हो रहा है न्यूक्लियस तक हो रहा है यहां तक है क्या न्यूक्लियस ट्रांसलेशन कहां हो रहा है बच्चों साइटोप्लाज्म में ठीक है बच्चे क्लियर हुआ क्लियर हो गया सबको बच्चों यहां पे सबको क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों यस बोलिए आज की क्लास में मजा आया कि नहीं ये हो गया हमारा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डन ये हो गया हमारा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है यहां पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ मजा आया कि नहीं क्लास में बताइए तो आप क्या करेंगे मेरे वीडियोस को जाके लाइक सब्सक्राइब क्लियर एंड यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स जितने भी आपकी क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में फ्रेंड्स हैं उनसे जाइए उनको आप शेयर करिए जितने ज्यादा व्यूज बढ़ते जाएंगे उतनी हमारे पास क्या बढ़ेगी बच्चों मोटिवेशन और उतनी ज्यादा हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते जाएंगे आपके लिए सो so, आप मुझे थैंक्स कैसे बोल सकते हैं आप मुझे कैसे थैंक्स बोल सकते हैं जाके हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए एंड कमेंट करिए हमारे वीडियोस को ठीक है बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं सबको सब कुछ तो आप ये सब जाके देखेंगे अब एक और क्वेश्चन है फटाफट से देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और हैं एक दो क्वेश्चन और हैं एक दो क्वेश्चन और हैं है, वेट करिए सब लोग जो कि हम होमवर्क के लिए ले सकते हैं ठीक है क्वेश्चन है ये इन सॉदन ब्लॉटिंग द सिंगल स्टैंड डीएनए स्ट्रैंड्स गेट्स इम्पटेड इनटू, ठीक है ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये एक होमवर्क है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट पड़ से क्या बुलाते हैं बच्चों वॉबल हाइपोथेसिस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर्स फॉर द एक्सप्रेशन फॉर लेको प्रॉन्स क्या होता है यहां पे इंड्यूसर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का आंसर आप मुझे कहां भेजेंगे आंसर कहां करेंगे आप आज का आई के हमारे पेज पे आप जो मेरी लेक्चर जो अभी चल रही है ये आज काइटिन के यूट्यूब पेज पे भी चल रही है तो उसका ये तीन क्वेश्चन का आप आंसर मुझे वहां पे देंगे क्लियर हो गया ये है आपका होमवर्क और ये क्वेश्चन जिनको अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए उनको ये पीपीटी मिल जाएगी कहां पे हमारे इंस्टा जेई पे ठीक है बच्चों ये कहां मिल जाएगी इंस्टा जई पे क्लियर सो आज के लिए इतना ही बच्चों मिलते हैं अब कब मंडे को ठीक है थैंक यू एवरी थैंक यू थैंक यू आज के लिए इतना ही बाय बाय बच्चों कल मंडे को मिलते हैं थैंक यू मंडे को नए टॉपिक के साथ नए जोश के साथ ज्यादा पावर के साथ ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज पढ़ते रहिए